हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद्यार्थी अध में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता लग गया होगा कि सीपी नेट एग्ज़ाम जो 7 जनवरी ऑनलाइन हुआ था उसकी मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो उससे संबंधित हमारी वीडियो डल चुकी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये चेक जरूर कर लेना कि उसमें आपकी ओवरऑल रैंक कितनी है, क्योंकि उसमें जो रैंक दो दी गई, एक कैटेगरी रैंक दी होगी, एक ओवरऑल रैंक दी होगी, तो आपको ओवरऑल रैंक देखनी है, उसी के हिसाब से आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। अभी तक आपने अपनी रैंक नहीं देखी है तो इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, एक चेक करके जरूर हमको बताएं कि आपकी कितनी रैंक बनी हुई है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है, और काउंसलिंग कब से कब तक चल रही है, कब से स्टार्ट है, कब तक चलेगी, और इसकी पंजीकरण की जो व्यवस्था है वो भी आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। पंजीकरण है वो ऑनलाइन आपको कराना पड़ेगा, तभी आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हो। तो कैसे पंजीकरण करोगे ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स हमसे अभी न्यू जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल को क्लिक कर लें, जिससे सीपी नेट से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आए आपके पास तुरंत हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बात करते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया कब से लेकर कब तक रहेगी, चलेगी, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो को देखना तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, एक एक चीज को समझना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रथम काउंसलिंग कब से लेकर कब तक है। प्रथम काउंसलिंग इसकी कब से लेकर कब तक है, प्रथम काउंसलिंग 13 जनवरी 2000, देखो आज आपकी रैंक आपकी आ चुकी है मेरिट रैंक, और 13 जनवरी 2000 मेरिट रैंक घोषित होने के बाद इसका जो पंजीकरण है वो 14 जनवरी 2021 शाम 5 बजे तक ही होगा। इसका जो पंजीकरण ऑनलाइन तिथि है वो आज से स्टार्ट हो जाएगी और 14 जनवरी शाम 5 बजे तक ही होगा। इस बात को आप ध्यान से सुन लेना जो भी प्रथम काउंसलिंग में जाएंगे। प्रथम काउंसलिंग में कौन कौन से स्टूडेंट्स जाएंगे वो हम आपके लिए वीडियो नेक्स्ट लेकर आएंगे, उसे ज़रूर देख लेना, ठीक है। कितने रैंक से लेकर कितने रैंक तक के स्टूडेंट्स प्रथम काउंसलिंग में जाएंगे, और प्रथम काउंसलिंग जो आपकी है वो 15 जनवरी 2021 से 19 जनवरी तक चलेगी। 15 से स्टार्ट है प्रथम काउंसलिंग और 19 जनवरी तक ही चलेगी। इससे पहले ही आपको अपनी काउंसलिंग ही करा लेनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड काउंसलिंग कब से लेकर कब तक चलेगी, तो सेकेंड काउंसलिंग है उसकी जो पंजीकरण प्रक्रिया है वो 21 जनवरी 2021 प्रातः 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगी और 22 जनवरी 2021 शाम 5 बजे तक ही चलेगी। पंजीकरण ही आपको ऑनलाइन कराना होगा, इसकी लिंक आपको नीचे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप अपना पंजीकरण, हमारे हिसाब से तो आप अपना पंजीकरण खुद घर पे नहीं करें, किसी साइबर कैफे से जाकर कराएं, जिससे आपके फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी ना आए, क्योंकि आप घर पे करोगे तो कोई ना कोई गड़बड़ी करोगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और याद रखें जब तक पंजीकरण नहीं होगा आपको वहाँ पर नहीं जाने दिया जाएगा, आपको काउंसलिंग रूम में घुसने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और जो सेकेंड काउंसलिंग है वो आपकी 23 जनवरी 2021 से 25 जनवरी तक चलेगी। और लास्ट काउंसलिंग इसमें एक और है, मॉप ऑफ जो बची हुई सीटें जो रह जाती हैं, उसमें रिक्त सीटें जो रह जाती हैं वो संभावित यानी 28 जनवरी 2021 9 बजे से 29 जनवरी 2021 शाम 5 बजे तक इसका पंजीकरण कराया जाएगा। और जो काउंसलिंग डेट है वो संभावित 30 जनवरी है, यानी इसकी जो लास्ट डेट जो लास्ट काउंसलिंग है वो 30 जनवरी 2021 को हो सकती है, ये संभावित डेट है। लेकिन ये प्रथम और द्वितीय वाली ये निश्चित डेट है, इनको आप याद रखें। अब प्रथम काउंसलिंग में कौन कौन स्टूडेंट्स जा सकते हैं और जिनका पंजीकरण किनका हो सकता है वो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आपकी जो प्रथम काउंसलिंग है वो 15 से स्टार्ट है और 19 तारीख तक ही चलेगी, इस बात को आप ध्यान रखें। काउंसलिंग कहाँ पर होगी ये भी हम आपको बता देते, तो काउंसलिंग प्रक्रिया आपको विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित की जाएगी, सैफई में, और ये सैफई में प्रक्रिया होगी। ऑफलाइन आपकी काउंसलिंग होगी ये भी हम आपको बता देते हैं। काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी काउंसलिंग संबंधित विस्तृत विवरण ध्यानपूर्वक पढ़ लें, और ये सब वेबसाइट पर आपको मिलता रहेगा, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई हम आपको देते रहेंगे। और ये काउंसलिंग हेतु कोई भी सूचना आपको कॉल लेटर यानी डाक द्वारा नहीं दी जाएगी, इस बात को आप ध्यान रखें। जो भी सूचना होगी आपको वेबसाइट पर मिलेगी, तो आप वेबसाइट चेक करते रहें, उसकी लिंक आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ, यदि आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। पंजीकरण कैसे होगा, कहाँ होगा, और
कितने विद्यार्थी फर्स्ट काउंसलिंग में भाग ले सकते, ये हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, प्लीज़ सपोर्ट करें हमारे चैनल को, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है। पुराना जो चैनल था वो यूट्यूब की तरफ से बंद कर दिया गया, तो ये हमारा न्यू चैनल है, प्लीज़ इसे सपोर्ट करते रहें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल को क्लिक ना किया तो कर लीजिएगा। काउंसलिंग से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलेगी, आप टेंशन फ्री रहें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।